सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर विहाड़ी राणा शाहद परवेज की हिदायत पर मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाने, अमन अमान की फ़जा को बरकरार रखने और आवाम में एहसास तहफ़ पैदा करने के लिए ज़िला विहाड़ी की तीनों तहसीलों में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में सर्कल SDPOs, SHOs, ट्रैफिक पुलिस और एलियट फोर्स के दस्तों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च SDPO के दफातर से शुरू हुआ जो मुख्तलिफ रूट से होता हुआ वापस पॉइंट्स पर अख्ताम पजीर हुआ। DPO विहाड़ी राणा शाहद परवेज का कहना था कि इस फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद इलाकों में मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाना, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना है ताकि शर पसंद अनासर अपने मजमूम मकासद में कामयाब ना हो सके। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के मौसर इकदाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तमाम पुलिस अफसरान मुहर्रम हराम के सिलसिले में मुंतजमीन के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में हैं। उन्होंने कहा कि विहाड़ी पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। मुहर्रम हराम में तमाम जलूस और मजालिस चाहे छोटे हों या बड़े पुलिस के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और उनके लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी।